ये मुझे पता चला है कि जैसे पंजाब में हम लोग लोहड़ी के मौके पर रेवड़ियां खाते हैं, वैसे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाते हैं, यानी कि तिल और गुड़ के लड्डू खाते हैं, दूसरों को खिलाते भी हैं। ओए मैनू कैसे पता चला ऐसे। आजकल आप प्रोमो में देख रहे होंगे ये कहते हुए कि दादी अम्मा मान जाओ ना। अब दादी तो वैसे ही अंजलि से हमेशा मान जाती हैं और इस बार तो वो अंजलि की हर बात मानेंगी। अब वो क्या है ना, अंजलि की जल्द ही शादी होने वाली है तो ऐसे में वो अपने हाथों में मेहंदी रचा रही है अपनी दादी माँ की पसंद की। दादी पोती का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। एक कहानी कुछ ऐसी ही है, दो पोतियां दादा दादी के साथ रहती हैं। ये सभी एक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। क्या है, हम मेरी पोती अंजलि बहुत ही अच्छी लड़की है और वो खुद ना अपने मुँह से कुछ भी नहीं बताएगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी नहीं, बट हम उसके खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने सीमित साधन में। इसी बीच में इसकी सास को के तरफ से एक डिमांड है, कंडीशन है कि प्री वेडिंग, क्या प्री वेडिंग फोटोशूट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेहंदी लगाने आए हैं। जल्द ही स्टार प्लस पर इनका सीरियल दर्शकों से रूबरू होगा। अब त्योहार के मौके पर इनका सीरियल लॉन्च हो रहा है तो भाई त्योहार भी तो मनाना पड़ेगा। ये सीरियल एक महाराष्ट्रीयन परिवार को लेकर बनाया गया है तो ऐसे में मकर संक्रांति की धूम आपको जरूर देखने मिलेगी। मकर संक्रांति सेलिब्रेट की हम लोगों ने, अज्जी ने, मैंने, श्रद्धा ने, बहुत मज़ा आया। अज्जी ने हमारी आरती उतारी जैसे मराठी ट्रेडिशनल कल्चर में है और फिर उसके बाद हम लोगों ने तिल के लड्डू खाए और अज्जी को भी खिलाए, फिर पतंग भी उड़ाई। राष्ट्रीय प्रोडक्शन का ये नया शो यूँ तो देखने में आपको एकदम सादा सुदा लग रहा होगा लेकिन इस सीरियल में आगे रिश्तों के बहुत सारे रंग आपको देखने मिलेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई गजक, रेवड़ी, मूंगफली, तिल बुग्गा, इन सब चीजों की बात हो रही है तो भाकरवाड़ी की भी बात कर लेते हैं। नहीं, खाने वाली भाकरवाड़ी नहीं, हम तो सीरियल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सीरियल में जो अभिषेक और गायत्री है ना, दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर तैयार है, लगता है कि फिर से शादी होने वाली है इनकी। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन शादी कौन करता है? We'll be right back.
भाखरवड़ी के अभिषेक और गायत्री की है ये पहली मकर संक्रांति, शादी के बाद वाली पहली उत्तरायण। यहाँ गुजराती और मराठी फैमिली मिलकर उत्तरायण का ये त्योहार मना रहा है। सब मिलकर तिल गुड़ के लड्डू खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो अभिषेक खेलकर पतंगबाजी भी कर रहे हैं, मगर हाँ उनकी दुल्हनिया उनका बखूबी साथ निभा रही हैं। बहुत सालों बाद मैंने पतंग उड़ाई और अभी बहुत मन कर रहा है कि मैं उड़ाऊं शूटिंग छोड़ के क्योंकि एज अक्षता मैंने पर्सनली कभी बहुत पतंग नहीं उड़ाई है। बहुत देखा है, इंजॉय किया है अपने भाई बहन को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ये पतंगबाजी करते हुए कटी कटी होम टाउन में ऐसे सब खेलते थे, इट वॉज़ वेरी फन। बट मैंने पर्सनली कभी पतंग इतना उड़ाया नहीं है। आज पहली बार आई थिंक मैंने पतंग उड़ाई सर, वो भी मैंने इसलिए उड़ा पाई क्योंकि अक्षय ने मुझे सिखाई पतंग उड़ाना, एंड ही वॉज एक्चुअली इंजॉइंग सो मच कि मुझे बहुत मज़ा आया पतंग उड़ाने में और हम लोग आपस में एक दूसरे से खेल रहे थे, तो बहुत मजा आया मुझे पतंग उड़ाने में। आज फाइनली मैंने उड़ाई एंड आई रियली एंजॉय। ऐसी बात मतलब भाकरवड़ी के सेट पे मुझे शो ऑफ करने में बहुत मजा आया कि मुझे पतंग उड़ाना आता है। ओह माय गॉड, आता है, मुझे नहीं आता। मकर संक्रांति के मौके पर महाराष्ट्रीयन महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म भी निभाती हैं, तो गायत्री ने भी ये रस्म निभा ली है और वो सज गई है दुल्हन की तरह। लगता है एक बार फिर शादी हो रही है। I'm in a bride attire. मैंने बड़ा प्यारा सा ही ये पहना है, ये रेड और ग्रीन वाइट येलो का कॉम्बिनेशन है, आ डिज़ाइनर बाय फोरम, तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल अटायर है। मैंने गुजराती ब्राइड बनी हूँ, मैंने गुजराती वे में दुपट्टा कैरी किया है, ये जो वाइट रेड डॉट आप देख रहे हैं गुजराती लोग करते हैं अक्सर, तो यस बड़ा प्यारे से चूड़ियाँ हैं, हाथ बंद है और नथ है प्यारी सी, मांग टीका है और नेकलेस है, झुमका है और मेरा ये लहंगा बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा लहंगा वाइट ग्रीन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में। सो यस आई एम राइट नाउ आई एम लविंग माई सेल्फ। तुम्हें मैं कैसे लगी? बहुत अच्छी यार, मतलब बात ही नहीं होती, गायत्री बहुत अच्छी दिखती है, एज अक्षिता भी बहुत अच्छी दिखती है। गायत्री अभिषेक दोनों के परिवार में कंपटीशन भी होता है और नोक झोंक भी, मगर त्योहार में तो सिर्फ प्यार ही दिखेगा और उनके प्यार का पतंग भी उड़ेगा और भाखरवाड़ी जैसा टेस्टी उनका रिश्ता भी नजर आएगा। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। टीवी में मुसीबत तो बार बार आती रहती है, लेकिन यही मुसीबत जब एक नन्हे से बच्चे पर आ जाए ना, बड़ा बुरा लगता है। I mean, ठीक है, बड़ों के साथ ऐसा हो तो बंदा कहता है okay, they will deal with it. पर छोटा सा परम, I know, छोटी सरदारनी में एकदम पर्दों के भंवर में फंस गया है परम। सा नन्हा सा परम फंस गया है पर्दों के भंवर में। वैसे तो ये देखकर लगता है कि वो महर मम्मा और अपने पापा के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा है, मगर सच कहें तो ये बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। माँ बाप को ये खेल लग रहा है, मगर परम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वो खांस भी रहा है और मम्मा पापा को ढूंढ भी रहा है और अचानक उसके माथे पर झूमर भी आकर गिरता है। ये देखकर पक्का कह सकते हैं कि ये महर या फिर सरबजीत का सपना है, क्योंकि उनका बच्चा सच में बीमारी के भंवर में फंस गया है। उसके लीवर का ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई है और देखिए सरबजीत एक घूंघट वाली महिला को थैंक यू भी कह रहा है, उसे मसीहा बता रहा है, रब ने भेजी हुई मदद कह रहा है। मेरे बच्चे में मेरी जान बसती है, परम मेरी दुनिया है। उसे लगता है कि ये वही डोनर महिला है जिसके साथ परम के रिपोर्ट्स मैच हो रहे हैं और ये वही महिला शायद अपना लीवर डोनेट करने वाली है। मगर जब इस कमरे में डॉक्टर साहिबा
किसी और महिला और पुरुष के साथ आईं और उन्हें डोनर बताया तो सरबजीत थोड़ा चौंक गया और घूंघट वाली महिला ने जब अपना घूंघट खोला तब पता चला कि ये तो महर है जो परम की सच्चाई जानने के लिए यहां भेज बदल कर आई थी और सरबजीत से सच्चाई जान ली है। महर पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुंबई से नेहा सावंत और सुमा वैद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मेरी गुड़िया में बिचारी अवी भाई लिखने वाले ने एक नन्ही सी गुड़िया की लाइफ में इतनी परेशानियां लग दी। अब लीजिए, एक तो रात्रि कोई कम थी कि अब रात्रि की बहन भी आ गई है अवी की लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने। मेरी गुड़िया सीरियल में अवी के लिए खतरा दुगना हो गया है क्योंकि अब उसके घर में रात्रि के साथ उसकी बहन अद्रिका भी आ गई है और दोनों का मकसद अब अवी को जल्द से जल्द मारकर उसकी आत्मा को कैद करना है। मगर ये बात अलग है कि रात्रि और अद्रिका दोनों एक दूसरे से लड़ भी रही हैं क्योंकि अद्रिका ने आते ही अपनी ही बहन की जासूसी के लिए घर के नौकर को पटा लिया है और उसे रात्रि के पीछे जासूसी के लिए छोड़ दिया है। ये बात अलग है कि ये नौकर कभी बेहोश हो जाता है और होश में आकर अजीबोगरीब बातें करता है जो किसी की समझ में नहीं आ रही है। ये आई ना कबाब में हटी मेरे परेशान कर। मैं इनको एहसास दिलाने आई हूँ कि मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ और हमेशा खुद को कंट्रोल में करना चाहिए, लव लाइफ को साइड पे रखना चाहिए, अपने मिशन में हमेशा फोकस्ड होना चाहिए। तो मैं भी फोकस्ड हूँ अपने मिशन में, बस मेरा साथ साथ एक और रास्ते में एड स्टॉप हो गया है कि रवि राघव के थ्रू वहाँ तक जाना, मेरा भी काम हो जाता और तुम लोग का काम भी हो जाता। प्यार की समझ नहीं है ना इसको अभी। अच्छा, मुझे समझ नहीं है। रात्रि तो एक आई थी तो वो एक एक पे एक फ्री के ऑफर चलते ना, अभी जैसे न्यू ईयर्स के चल रहे थे तो अभी 2020 का एक ऑफर ये आया है हमारे शो में कि एक पे एक फ्री। वैसे रात्रि और अद्रिका के बीच भी नोकझोंक चल रही है क्योंकि दोनों ही बहनों का मकसद एक है तो वैसे दोनों का प्यार भी शायद एक ही है। Yeah, I used to like him, but yes, somewhere I reveal this कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, like करती हूँ और मुझे डांटती है कि नहीं तुम पागल हो गई हो क्या, this is not the way। मतलब रुद्राक्ष, seriously रुद्राक्ष, come on यार, प्यार में हमेशा प्यार अंधा होता है। तो दो खतरनाक महिलाएं नन्ही सी मासूम बच्ची की जान के पीछे पड़ी हैं और घर के लोग कितने भोले हैं बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब अवी की गुड़िया कैसे अपनी अवी को बचाएगी ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से सुमा वैद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लाइफ में ना कई टाइप की मेडिकल डिजीजेस होती हैं, कुछ कंटेजियस होती हैं यानी एक से दूसरे को लग जाती हैं और कुछ नॉन कंटेजियस होती है। जैसे एक और चीज़ होती है जो कंटेजियस होती है, जी हाँ, एलियन बनने की बीमारी, और ये हमें पता लगा सीरियल नज़र देखने के बाद। देखिए, ये हमने आपको बताया था कि कल चांद से एलियंस उतर के आ गए थे सीरियल में, एंड गेस व्हाट, अब तो ये घर वालों को भी एलियंस बना रहे। होगी ना कंटेजियस वाली बीमारी। सीरियल नजर में मोहना के लिए चांद रात रस लेकर जो एलियन चांद से उतर आए थे अब उनकी टोली में शामिल हो गया है अंश, पिया और उनका पूरा परिवार। जी हाँ, अंश, पिया और अंश के मम्मी पापा और चाचा चाची, सबके चेहरे पर हरा रंग लगा है और सबने वैसा ही सफेद लिबास पहन लिया है जैसा ये एलियंस पहनकर उतरे हैं। आगे आगे अंश और उनका परिवार चल रहा है और उनके पीछे पीछे ये चांद से उतरे हुए एलियंस
मगर लगता है अंश और उसका परिवार इन एलियन को धोखा दे रहे हैं। तभी तो धीरे से अंश ने अपने हाथ से कुछ स्प्रे किया और सारे एलियन सूंघते सूंघते आगे निकल गए और ये सब छटक के वहां से पीछे चले गए, क्योंकि बाहर मोना को ये चांद से उतर आए एलियनों ने हवा में लटका जो दिया है उसे हिप्नोटाइज कर दिया है। फैमिली अंदर से आके मुझे मतलब बचाने की कोशिश करते हैं। लाइक आदि को पावर है कि वो बड़ा हो जाता है, तो मेरे हाइट तक आके वो मुझे नीचे लेके आएगा। तो आदि की मदद से मोहना जो बिना शक्ति के हवा में लटकी हुई है वो नीचे उतर आएगी और उसका परिवार उसे स्थिति से बाहर निकालेगा। मगर अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर मोहना की शक्तियाँ लौटेगी तो कैसे, और अगर लौटेगी तो उसकी मदद करने वाले इस परिवार को वो फिर से सताएगी। ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मुंबई से सुमा वेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मूंगफली को सही नाम दिया है, टाइम पास। जी हाँ, मूंगफली खाते खाते गपशप करते करते वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब लीजिए, टाइम पास करने की कोशिश तो कर रहे हैं सीरियल ये तेरी गलियां वाले भी। तभी तो पुचकी और शांतनु को दूर दूर करने के लिए पुचकी की एक हमशक्ल भी ले आए। गेस व्हाट, वो पकड़ी भी गई। हुआ ना टाइम पास। ये तेरी गलियां की पुचकी थाली में खाना लेकर अपने शांतनु को खिलाने जा रही थी। चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान थी। मगर अचानक क्या हुआ शांतनु को कि उसने तो अस्मिता यानी पुचकी को ही जकड़ लिया और कुर्सी में बिठाकर उसे कुर्सी के साथ बांध दिया, मुंह पर कपड़ा भी बांध दिया। आखिर शांतनु को हो क्या गया है, ये माजरा क्या है और उसके साथ ये दूसरी महिला है कौन? एक्चुअली क्या है कि हमारे शो में एक नया कैरेक्टर आया है देविका, जो की मैं ही प्ले कर रही हूँ। सो कल हमने शूट किया शान और अस्मिता का पार्ट और आज मैं कर रही हूँ देविका का पार्ट। तो मैं वो सब कुछ कर चुकी हूँ तो मेरे लिए बहुत फनी है। लाइक शान इज बिहेविंग very weird to me, like to Devika. But अच्छी बात ये है देविका is like थोड़ा बहुत fun है अभी जितना समझ आ रहा है उतने में। एंड पुचकी और शान को कोई अलग नहीं कर सकता, तो चाहे कोई भी बीच में आ जाए वो दोनों एक होकर रहेंगे। एंड पुचकी को फाइनली शान बचाने आ जाता है एंड देन अगेन वी यूनाइट। एक्चुअली देविका जो है वो कुछ दिनों से अस्मिता बन के गेम प्ले कर रही थी हमारे साथ, तो अब कहीं ना कहीं शान को डाउट हो गया कि ये अस्मिता तो नहीं है जैसे वो बिहेव कर रही है। तो शान ने भी उसके साथ थोड़ा गेम प्ले किया ताकि उसको ऐसा लगे नहीं कि मैं उसके झांसे में नहीं फंस रहा हूँ, मैंने दिखाया मैं फंस गया हूँ। फिर अचानक से मैं उसको उसके पीछा करते करते पहुँच जाता हूँ उस जगह पे जहाँ पे अस्मिता होती है रियल में। ओ, तो कहानी में अब अस्मिता की हम शक्ल आ गई है जो मौका मिलते ही यहाँ से भागने की कोशिश भी करने लगी थी मगर शांतनु ने उसे पकड़ लिया। मगर इस डुप्लीकेट पुचकी की बात सुनकर लगता है कि शेखावत ने शायद इस लड़की को भी मजबूर किया है। वो बस चाहते हैं कि शान पुचकी से दूर हो जाए एंड ऑब्वियसली वो दरार क्रिएट करना चाहते हैं एंड सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे शो में आते हैं यही चाहते हैं शान। हाँ, तो बस उन्होंने यही सोचा कि देविका अगर शान को अलविदा कह दे तो शान को तो यही लगेगा कि अस्मिता कह रही है, बट वो अस्मिता नहीं, वो देविका है और शान लाइफ से चला जाएगा एंड देन ही कैन हैव अस्मिता फॉर हिमसेल्फ, वैसा काइंड ऑफ थिंग्स। वाह, कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए ऐसा किया जाता है। सीरियल की नायिका की हूबहू डुप्लीकेट इन्हें मिल ही जाती है
जो कहानी में ट्विस्ट लेकर ही आती है। मुंबई से सुमावेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाई रेवड़ी भी है, गजक भी है, तिल का बुग्गा भी है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज मूंगफली। यानी कि आज के दिन तो मुंह मीठा करने का ना पूरा बंदोबस्त है, और मुंह मीठा कराना तो बनता है। जी हाँ, विद्या का भी, नहीं नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आज त्योहार का दिन है, इसलिए भी क्योंकि भाई विद्या ने पूरे कर लिए हैं अपने 100 एपिसोड। विद्या, विवेक और उनके सीरियल के सारे कलाकार और यूनिट के मेंबर्स आज बहुत खुश हैं। केक काट कर एक दूसरे को खिलाकर ये अपनी खुशी जता रहे हैं, क्योंकि देखते ही देखते इनके सीरियल ने 100 एपिसोड जो पूरे कर लिए हैं, और ये मानो सीरियल ने एक अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है, इसी बात की खुशी है। ये सबके एफर्ट्स बहुत प्योर और सबके दिल से थे, और सबने बहुत मेहनत की है, राइट फ्रॉम द यूनिट टू द प्रोड्यूसर टू द एक्टर्स टू द टेक्नीशियन टीम, सब ने दिल से काम किया है। सो थैंक यू हम लोगों को इतना प्यार करने के लिए, एंड हमें हमारे ये नए अवतार में एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे उड़ान के बाद इन्हें मायके चली जाऊंगी के बाद, सो थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस, एंड हाँ इतना सारा प्यार अच्छा लगता है। वैसे तो विद्या बहुत मुसीबतें झेल कर यहाँ तक पहुँची है। आज भी देखो, विधायक जी की गाड़ी में बैठकर वो यहाँ पर आई थी टेंशन में, मगर जनता इनका टेंशन नहीं, विद्या और विवेक जी का रोमांस देखना चाहती है। आज के लिए मुझसे नाराज होके घूम रहे हैं, और मैं एक विधवा जो अब विधवा नहीं रही, अब मैं एक नॉर्मल लड़की हो चुकी हूँ जो अपने हक के लिए बोलना सीखी है, और ये मुझसे बहुत नाराज है। तो अब जब ये जुए निकालेंगे, नहीं नहीं जुए तब नहीं है, हमें चीटी है इसके, जुए नहीं है। जुए ऊपर नहीं होती, पता ना तुम्हें, चीटी थी। ऐसे यहाँ अंदर ऐसे देखना पड़ता है इंडी। चलना इसको एडिट कर देना, जुए की बातें नहीं करनी मुझे। सो अब आप लोग को समझ आ गया हम दोनों के बीच में बातें कैसी होती होगी, हमने आपको एक नमूना दिया है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, हाँ रोमांस की बातें हो रही है रमेश। अच्छा ठीक है, चलो कहाँ थे हम। हाँ तो हम रोमांस कर रहे, धीरे धीरे करेंगे, हमें समाज और दायरों पे 300वें एपिसोड पे आपको हमारा रोमांस मिलेगा। भाई अभी शायद विद्या की कहानी कुछ टेंशन वाली ही चलेगी, लेकिन उम्मीद है कि आगे विद्या और विवेक दोनों का रोमांस हमें देखने जरूर मिलेगा। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे त्योहार के लिए सजने का अपना ही मजा होता है, और आज के दिन ना सजिएगा जरूर, नहीं तो मंडे हो या सैटरडे हो पता ही नहीं चलेगा, त्योहार का दिन हो या नॉर्मल ऑफिस गोइंग डे हो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज आज थोड़ी सी मेहनत करके ना त्योहार वाली फील के लिए अपना थोड़ा सा मेकओवर कर लीजिएगा। वैसे मेकओवर तो कर रहे हैं, ये है चाहते कि हमारे हीरो हीरोइन भी दिखाते हैं कि वो दुल्हन और ये रॉकस्टार कैसे बनते हैं। का सारांश बन गया है मम्मी पापा का डांस मास्टर, और देखे ना ये नन्हा सा लव गुरु कैसे अपने मम्मी पापा को रोमांटिक डांस सिखा रहा है। और
मम्मी पापा इतने सीधे साधे और भोले भाले से हैं कि इस डांस मास्टर के सिखाए स्टेप्स पर शुरू हो गए और हो गया प्रीशा और युवराज के बीच एक रोमांटिक परफॉर्मेंस। मैं ना इनको जिद कर रहा हूँ कि चलो अब तो आपको डांस करना ही पड़ेगा, तो ये अभी डांस कर लेते। अरे इसी से पूछो, शक्तिमाल वाला स्टेप करके दिखा एक बार, कर करके दिखा। ये है शक्तिमान वाला स्टेप है। हमें तो क्योंकि कपल डांस आता नहीं, हमें तो डांस का डी भी नहीं आता, तो ये ही बच्चे हमें सिखा रहे हैं दोनों। Yes. नन्हा सा सारांश खुश हो रहा है कि उसे पापा मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर आगे की कहानी की बात करें तो सारांश के बनने वाले ये पापा वो ही होंगे जिम्मेदार सारांश के मम्मी के जेल जाने के लिए। लेकिन अपनी होने वाली बीवी को जेल भेजने से पहले जनाब थोड़ा सा रोमांस कर रहे हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे लीजिए, खिचड़ी पक रही है। अरे ओहो, लगता है आज तो ना मुंह पे स्वाद जहाँ खिचड़ी का है तो जबान पर नाम भी खिचड़ी का ही आएगा। एक्चुअली प्यार की खिचड़ी बन रही है। किसके बीच में? भाई कार्तिक और नायरा के बीच में। वेल नॉट एक्चुअल वाली खिचड़ी बन रही है, बना तो ये कचौड़ी रहे, लेकिन भैया खिचड़ी का स्वाद तो आ ही रहा है। नायरा कार्तिक को मिल गया मौका अपने रोमांस का। दो प्यार के पंछी मिल गए हैं, उनके लिए स्पेशल कमरा सजा है। लाल गुब्बारे बिखरे पड़े हैं, पलंग पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से दिल सजा है, उस पर भी दो प्यार के पंछियों को बिठा दिया गया है। और हाँ, इस प्यार को नशीला बनाने के लिए कमरे में वाइन की बोतल भी रखी है, मगर ना ही नायरा को उसकी जरूरत है और ना कार्तिक को, क्योंकि सफेद गाउन में सजी नायरा को देखकर कार्तिक को नशा अपने आप ही चढ़ गया और खो गया नायरा के साथ रोमांस में। इस रोमांस पर ब्रेक तब लगी जब कार्तिक की मॉम का फोन आ गया, क्योंकि कायरव उनके साथ है ना, तो नायरा कार्तिक कायरव की खबर पूछने लगे, मगर माँ ने कह दिया कि कायरव तो खेल रहा है और अपने मम्मी पापा को याद भी नहीं कर रहा, तो दोनों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो नायरा कार्तिक ने ठीक वैसा ही किया, चिंता भूल गए और शुरू हो गया दोनों का रोमांस। भाई नायरा कार्तिक के लिए रोमांस का मौसम आ ही गया है, सारी चिंताएं वो भूल गए हैं। दोबारा शादी जो हो गई है और अब तो किचन में कचौड़ी तलते तलते भी नायरा कार्तिक का प्यार शुरू हो जाता है। जरा देखिए इनका किचन रोमांस भी। हम तो यही कहेंगे, नायरा कार्तिक के इस प्यार को किसी की नजर ना लगे। मुंबई से सुमावेद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।